अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम। आज की वीडियो में मैं आपको ना यूट्यूब के ऊपर प्रॉपर एसईओ के साथ वीडियो अपलोड करना बताऊंगा कि प्रॉपर एसईओ के साथ हमने वीडियो किस तरह अपलोड करनी है। एसईओ का मकसद क्या होता है? एसईओ का मकसद ये होता है कि आपकी जो वीडियो है वो ब्राउज फीचर के मेन पेज के ऊपर जाए यूट्यूब के ऊपर। तो ये मैंने थंबनेल बना के रखा हुआ है ये वाला, और साथ में वीडियो भी मैंने ये डाउनलोड की हुई है। अब हम इसके कीवर्ड्स, टाइटल्स और ये सारी चीज़ें देखते हैं, तलाश करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। मैं गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर जाऊंगा। सिंपल इजी, बिल्कुल फ्री अकाउंट बन जाता है गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर। कोई आपने पे नहीं करना, कोई कंपेन नहीं चलानी यहाँ पे। आप इसको सिर्फ साइन इन करेंगे अपने जीमेल के साथ, तो फ्री में आपको ये सारी एक्सेस दे देता है कि आप कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। तो ये गूगल कीवर्ड प्लानर मेरे सामने ओपन हो गया है। गो टू कीवर्ड प्लानर पे मैं क्लिक करूंगा नीचे। यहाँ पे मैंने गो टू क्लिक कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर दिया, तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा आपके सामने। आपको ये हमें कीवर्ड तलाश करके देगा, उसी कीवर्ड के साथ हम अपने टाइटल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, और उसी कीवर्ड के साथ हम अपने टैग्स सर्च करेंगे जिनकी प्रॉपर एसईओ होगी, ताकि यूट्यूब में जो हमारी वीडियो है वो आहिस्ता आहिस्ता रैंक करे। तो ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे मैं क्लिक कर दूंगा, मेरे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारी जो वीडियो है, मैंने जो वीडियो में बात की हुई है इस वीडियो में, वो ऑनलाइन अर्निंग और एक सर्वे ऐप के बारे में बात की है। तो आपने मेटा डाटा का भी ध्यान रखना है कि मेटा डाटा के स्ट्राइक ना पड़े, तो जो बात की है उसी के मुतालिक हमने ये चीज़ें सर्च करनी है। तो पहले ऑनलाइन अर्निंग है, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड सर्च करता हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग पे कोई कीवर्ड पड़ा हुआ है, और पड़ा हुआ है कितना रैंक है और कितना हमें उसमें सर्च करना चाहिए, सर्च वॉल्यूम उसका कितना आ रहा है वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख बताता हूँ आपको। आप स्ट्रीम को लास्ट तक देखिएगा, पेज को फॉलो कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये आपको कंट्री नज़र आ रहा होगा पाकिस्तान। तो हम, क्योंकि मैं ज़्यादातर सर्च करता हूँ पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, कीवर्ड सर्च करता हूँ, दोनों की रैंकिंग चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडिया भी कर देता हूँ, ताकि हमें हमारी जो ऑडियंस है उसका जो हुजम है वो बढ़ जाए। ये देखिए, अब इंडिया, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश और नेपाल नेपाल में भी ये कुछ जगह पे जाके सर्च देगा। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे, मैंने ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड दे दिया है, इसको एंटर कर देते हैं। सॉरी, एंटर तो ये उधर चला गया, तो कैंसिल करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे दोबारा ऑनलाइन अर्निंग देते हैं। यहाँ पे मैं ऑन LI एंड ऑनलाइन EARNIN, तो देखते हैं इसमें क्या चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है। ये मुझे कीवर्ड अब इसने निकाल के दे दी है। अब जिस तरह ये कीवर्ड निकाल के देगा, मैं साथ बार को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा होगा गूगल का, इस पर मैं क्लिक करके गूगल एंड सर्च पार्टनर कर दूंगा, ताकि हमारे गूगल और यूट्यूब और दूसरे जो सर्च पार्टनर है गूगल के, उनके कीवर्ड आएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले उसने मुझे ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड दे दिया, ऑनलाइन अर्निंग का कीवर्ड दिया है मुझे। इसमें मीडियम कीवर्ड है, तो हमने स्टार्ट में लो क्वालिटी कीवर्ड्स को सर्च करना है, ताकि हमारी जो वीडियो है वो रैंक करे। तो मैं लो वाले यहाँ से उठा लूँगा। कोशिश ये आपने करनी है कि आपने लो वाले सर्च करने हैं। ये लो है, वेट में एक ऑनलाइन अर्निंग, लेकिन ये रिलेटेड नहीं है हमारे अर्न मनी ऑनलाइन, इसको मैंने उठा लिया यहाँ से। उसके बाद वेट टू मेक मनी ऑनलाइन, रियल वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, वेज नहीं है, मैंने एक तरीका बताया, ये मेटा डाटा का स्ट्राइक दे देगा। अर्न मनी ये मीडियम में है, लेकिन इसकी जो परसेंटेज, चेंजिंग परसेंटेज है वो अच्छी है, इसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। वेट टू अर्न मनी, तो ये मैंने दो कर लिया। इसको मैं जाके यहाँ पे योर क्यूरीज और टैग्स, ये पहले बने हुए पहले वाले डिलीट कर देते हैं, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, कंट्रोल सी हो गया, कीवर्ड यहाँ से मैंने कॉपी कर लिए, यहाँ पे आके मैं कंट्रोल भी कर दो। अर्न मनी ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन फ्री, ये दो हमारे पास आ गए हैं, एक लो का है एक मीडियम का है। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, सेव कर दिया। उसके बाद अब मैंने जो आज की वीडियो है वो हमारी है सर्वे ऐप के ऊपर, तो सर्वे देख लेते हैं। सर्वे लिख देते हैं SURVY सर्वे अर्निंग, सर्वे अर्निंग देते हैं यहाँ पे, या क्या हमें कीवर्ड्स दे रहे हैं, उन कीवर्ड्स को हम सर्च कर लेते हैं। तो इसने हमें पहले जो दिया है वो मीडियम का है, फिर मीडियम का है, फिर
फिर मीडियम का है लेकिन गेट पैड टू टास्क। अच्छा ये मैंने इसको कर लिया है सिलेक्ट, क्यों? उसकी वजह ये है कि इसका 3 मंथ चेंज और ईयरली चेंज जो है वो अच्छा है। उसके बाद ये चाहे मीडियम में ही है, नहीं ये नहीं मुझे चाहिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्वे आ गया, ये मीडियम में पड़ा हुआ है, इसको उठा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक नज़र आया था मुझे, बेस्ट फ्री, इसको भी उठा लेता हूँ। पेड सर्विस, टेकिंग सर्विस, ये भी उठा लेता हूँ। मेक मनी, ये भी उठा लेता हूँ। सर्विस टू गेट पेड, ये सारे उठा लेते हैं हम, इनको कॉपी कर लेते हैं। जिनका ईयरली या 3 मंथ चेंज जो है वो अच्छा है, यहाँ से ऑनलाइन सर्वे, गूगल ओपिनियन, ये मैंने उठा लिए, इनको मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आके एंटर कंट्रोल वी, ये आगे हमारे पास 100 टैग्स, ऑनलाइन सर्वे टू अर्न मनी, बेस्ट फ्री पेड सर्विस, टेकिंग सर्वे फॉर मनी, मेक मनी सर्विस, पेड सर्वे, लीगट, बेस्ट सर्वे। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए हैं, इन कीवर्ड से हमने अपने अपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखना है। तो वो कैसे लिखना है, हमने क्योंकि अर्न मनी का टाइटल पहले देना है तो हम अर्न मनी को उठा लेते हैं। यहाँ से अर्न मनी ऑनलाइन मैंने टाइटल में जाके ऐड कर दिया। उसके बाद सर्वे का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे, तो एक सर्वे वाला कीवर्ड उठा लेते हैं हम यहाँ से, टेकिंग सर्विस फॉर फ्री, मेक मनी टेकिंग सर्विस नहीं, बेस्ट फ्री पेड सर्विस, ऑनलाइन सर्विस टू अर्न मनी, ये भी ठीक है, ऑनलाइन सर्विस टू अर्न मनी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको यहाँ मैं पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा टाइटल बन गया। अब डिस्क्रिप्शन लिखती है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ लोग क्यूरीज लिखते हैं, कुछ लोग सिंपल लाइन में लिखते हैं। तो इन दिस वीडियो मैं इन्हीं कीवर्ड्स का यूज़ करूँगा, कैसे करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट एन ऑनलाइन, अच्छा अबाउट एन अबाउट अर्न मनी ऑनलाइन, अबाउट यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, अबाउट के आगे लिखते हैं अबाउट, आई विल टेल यू अ मेथड, मेथड ऑफ जो मैंने कीवर्ड कॉपी किया था वो वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, अर्न मनी ऑनलाइन फ्री, हाउ वी कैन अर्न। तो अब सर्वे से हमने अर्न करना है, एक सर्वे का कीवर्ड यहाँ से उठा लेते हैं, सर्वे दैट ऑनलाइन सर्वे फॉर कैश, गूगल ओपिनियन, अवार्ड्स, हाउ वी कैन अर्न सिंपल एस, यहाँ फिर ऊपर जाओ भाई, हाउ वी कैन अर्न, इट्स वेरी सिंपल, इसको लिख देते हैं, इट्स वेरी simple, सिंपल, इसको मैंने ऑनलाइन सर्विस फॉर कैश, इट्स वेरी सिंपल टू अर्न मनी, टू मेक मनी, मेक मनी भी एक कीवर्ड है और अच्छा लो क्वालिटी का रैंक्ड कीवर्ड है, इट्स सिंपल टू मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन फ्रॉम ऑनलाइन सर्विस फॉर कैश। तो ये एक लाइन बन गई यहाँ पे। उसके बाद और अगर आपने कोई उठाना है तो तकरीबन मैं टाइटल 3-4 लाइनों का काफ़ी होता है, इतना डिस्क्रिप्शन सॉरी 3-4 लाइनों का काफ़ी होती है, बाकी जो आपने कीवर्ड उठाए हैं वो आप यहाँ पे लिखते इस यूजर क्यूरीज में डाल दें, यूजर क्यूरीज के अंदर डाल के आप उसको कर देते हैं। अब हमारे पास ये देखें इस वीडियो के जो हमारे पास टाइटल भी आ गया, हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख ली गूगल कीवर्ड प्लानर की वजह से और हमें टैग्स भी मिल गए। अब आप मज़ीद इस तरह टैग्स तलाश कर सकते हैं यहाँ से, और कुछ चीज़ लिख लें, ऑनलाइन अर्निंग आ गई या अर्निंग ऐप लिख दें आप, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी है कि तो हम अर्निंग ऐप भी लगा सकते हैं, अर्निंग ऐप, मैंने अर्निंग ऐप लगाई तो अर्निंग ऐप के कीवर्ड्स आ जाएंगे, मैं इसे भी यूज़ कर सकता हूँ अपने कीवर्ड को प्लानिंग करने के लिए, जूपी डाउनलोड। तो ये इस तरह आप गूगल कीवर्ड प्लानर की मदद से अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स लगा सकते हैं। तो यही थी आज की आपको डिटेल्स बतानी।